हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर डेंटल, स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर हम देखेंगे, एस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये एक बहुत सा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट में आता है और कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आ जाता है। और भाईबा के एस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो भाईबा में भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल्स जो है टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फास्ट। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम देखेंगे, सो FDI का जो अगर हम एनुमरेट करेंगे उसका जो फुल फॉर्म क्या होगा ना, फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनली। सो बहुत जगह में ये कन्फ्यूज़न होता है कि लाइक अगर भाईवा में पूछा जाएगा कि FDI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बहुत जगह में क्या करते हैं बच्चे, बोल देते हैं कि फेडरेशन डेंटल इंटरनेशनल, बट इट इज़ नॉट डेंटल इंटरनेशनल, इट इज़ डेंटायर इंटरनेशनली। सो ये चीज़ एक ध्यान होता है देना होता है, ये भाईबा के तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया है, और साइड और अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ हु एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च दैट इज़ IADR ने एक्सेप्ट किया है। अगर अभी हम फॉर प्राइमरी डेंटिशन, आज हम पहले प्राइमरी डेंटिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सेकेंडरी डेंटिशन को हम देखेंगे। सो जैसे कि हम पिछले दोनों टूथ नंबरिंग सिस्टम पढ़े थे, उसमें हम देखा कि पहले हम क्या कर रहे थे, हालांकि वो प्राइमरी डेंटिशन हो या सेकेंडरी डेंटिशन हो, हमको सबसे पहले क्या करना होता है, क्वाड्रेंट बनाना होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम मैक्सिलरी बोलेंगे, हम मैक्सिलरी बोलते थे, और नीचे वाला को हम बोलेंगे मैंडिबुल। और हम अभी उसका साइड भी डिटरमाइन कर लिए, ये है राइट साइड, ये होगा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। सो सबसे पहले क्या हमको करना है ना, हमको मिड लाइन से पेरिफेरल पार्ट को तक आना है, फ्रॉम नंबर 1 to 5 हमको लिखना होगा। सो जैसे कि हम यहाँ से शुरू किए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने मिड लाइन से शुरू किया और डिस्टल पार्ट तक आए हैं। और उसके लिए हमने जो प्रीफिक्स यूज किए हैं प्राइमरी का राइट साइड मैक्सिलरी राइट साइड के लिए, वो है 5। सो 5 हमारा हो गया प्रीफिक्स, और ये जो हमारा जो 5, 4, 3, 2, 1 हम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया टूथ का नंबर। सिमिलरली लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे, हमने जो प्रीफिक्स यूज़ किए हैं वो है 6, और मैंडिबुलर लेफ्ट साइड के लिए जो प्रीफिक्स हमने यूज किया है वो है 7, और मैंडिबुलर राइट साइड के लिए जो प्रीफिक्स यूज हुआ है वो है 8। सो प्रीफिक्स बेसिकली जो हम प्राइमरी डेंटिशन के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारा 5, 6, 7 and 8, और हमारा जो अलग सा जो नंबर रहेगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, वो हमारा टूथ नंबर को डिनोट करेगा। सो अभी हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि 5, 3। सो 5, 3 को हम लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे कि पहला ये कौन सा डेंटिशन है, ये प्राइमरी डेंटिशन है, तो हम लिख देंगे प्राइमरी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मैक्सिलरी पे प्रेजेंट है या मैंडिबुलर में प्रेजेंट है, तो ये मैक्सिलरी में प्रेजेंट है, तो हम लिख दिए मैक्सिलरी। उसके बाद हमको देखना है कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, सो हम लिख देंगे राइट। उसके बाद टूथ नंबर काउंट करेंगे, सेंट्रल इंसिजर, लैटरल इंसिजर, कैनाइन, सो ये होगा राइट कैनाइन। सिमिलरली अगर हम 6, 4 की बात करें, याद रखें कि इसको हम 5, 3 बोलते हैं, नॉट 53। यहाँ पे हम जितने सारे नंबर यूज़ करेंगे हमको ऐसा बोलना होगा कि 5, 3, 8, 4, 7, 2, नॉट 72, नॉट 62, ऐसा हमको नहीं बोलना होता है। अगर हम 64 की बात करें तो यहाँ पे होगा कि प्राइमरी मैक्सिलरी लेफ्ट, और ये तुम्हारा हो गया सेंट्रल इंसिजर, लैटरल इंसिजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सो हम लिखेंगे लेफ्ट फर्स्ट मोलर।
7284 का जो है, ये दोनों को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम में हमें एक हिंट दे देता हूँ कि ये तुम्हारा मैंडिबुलर पार्ट के साथ रिलेटेड है। अगर हम सेकेंडरी डेंटिशन को देखेंगे तो सेकेंडरी डेंटिशन में वैसे ही हमने क्या किया, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर पार्ट को डिवाइड कर दिए हैं, और इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो है 1, 2, 3 एंड 4। और उसके बाद जो टूथ नंबर है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब हमारा टूथ नंबर हो गया। तो हम भी हम डायरेक्टली एग्जांपल को चलते हैं, मेरे को लग रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं। सो 1, 4 अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा सेंट्रल इंसीजर, ये लैटरल इंसीजर, ये कैनाइन, ये फर्स्ट प्री मोलर। सो हम क्या लिखेंगे ना, परमानेंट या सेकेंडरी मैक्सिलरी, परमानेंट मैक्सिलरी राइट फर्स्ट प्रीमोलर। अगर हम 2, 4 की बात करें तो क्या होगा, सेंट्रल इंसीजर, लैटरल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, परमानेंट मैक्सिलरी, लेफ्ट फर्स्ट प्रीमोलर। जो 3, 6 और 4, 6 है ये तुम्हारा मैंडिबुलर पार्ट के लिए रिलेटेड है। तो आप इसको आंसर लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड आई थिंक दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट।